राज्य स्तरीय होली महोत्सव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिमाचली लोक संस्कृति की झलक के साथ पंजाबी तड़का भी सांस्कृतिक संध्याओं में देखा जाएगा। इसके अलावा हिंदी गानों में भी तथा फोक डांस में भी कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। 27 फरवरी से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी कलाकारों से लेकर हिमाचली लोक गीत कलाकारों को हास्य कलाकारों को समिति ने अंतिम रूपरेखा दे दी है। 27 फरवरी से आयोजित राज्य स्तरीय होली महोत्सव में प्रथम संध्या में राखी हुंडल, हास्य कलाकार भंजना अमली, गीता भारद्वाज व संजीव दीक्षित पहाड़ी गायक के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। 28 फरवरी को दूसरी सांस्कृतिक संध्या में नाटक किंग कुलदीप लोक गायक हेमंत शर्मा दूसरी सांस्कृतिक संध्या में लोगों का मनोरंजन करेंगे। 1 मार्च को तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी तड़का लगाने के लिए रंजीत बाबा पंजाबी गायक मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा पंजाबी गायक शंकर साहनी, नरेंद्र ठाकुर, लोक गायक कुमार साहिल, इंडियन आइडल फेम हिमांशी तनवर दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी। वहीं 2 मार्च को अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आदित्य नारायण पार्श्व गायक, धीरज शर्मा पहाड़ी लोक गायक, कृतिका तनवर इंडियन आइडल फेम भोटू शाह व कविता भल्ला लोगों को गुदगुदाने का कार्य करेंगे। होली मेला समिति के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि हिंदी पंजाबी पहाड़ी के अतिरिक्त हास्य कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय होली महोत्सव की प्रथम संध्या पंजाब केसरी के सौजन्य से आयोजित करवाई जा रही है। उन्होंने कि राज्य स्तरीय होली महोत्सव पालमपुर 2018 27 फरवरी 2018 से 2 मार्च 2018 तक होना निश्चित हुआ है। इस अवसर पे हम लोगों ने 4 सांस्कृतिक संध्याएं यहाँ पे होना निश्चित हुआ है। उस सांस्कृतिक संध्याओं से पहले कल एक सबसे पहले तो शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के पश्चात एक बड़ू साहिब से सांस्कृतिक दल आएगा, वो यहाँ पे गतका का प्रदर्शन हम लोगों ने करना है। उसके पश्चात दंगल होना है और फिर उसके पश्चात शाम के समय सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होना है। सर, इस बार मुख्य गायक वगैरह कौन कौन आ रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि इस बार 4 अलग सांस्कृतिक संध्याएं होनी है। जो पहली सांस्कृतिक संध्या है, इसमें जो मुख्य कलाकार रहने वाले हैं, ये पंजाबी गायक राखी हुंडल हैं। 27 तारीख को इनकी सांस्कृतिक संध्या रहेगी। 28 तारीख को हिमाचली नाइट होने वाली है, इसमें कुलदीप शर्मा जो हिमाचल के सुप्रसिद्ध पहाड़ी गायक हैं, वो मुख्य आकर्षण वो इसका रहने वाले हैं। 1 तारीख को जो तृतीय संध्या है, इसमें रंजीत बाबा जो पंजाबी गायक कलाकार हैं वो रहेंगे। और इसके साथ शंकर साहनी हैं जो पार्श्व गायक हैं, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ये NZCC की तरफ से ये शंकर साहनी यहाँ पे आएंगे। और 2 तारीख को आदित्य नारायणन पार्श्व गायक के आने का कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने कहा, 2 तारीख को होना है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम की समापन समारोह में यहाँ पे आएंगे। तो सर, आगाज जो होना है वो कौन, आगाज जो होगा होली का संस्कृत संध्या कौन इसका? कल के, जैसा कि मैंने कहा कि कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ यहाँ पे विशिष्ट अतिथि हमारे जो पालमपुर के वर्तमान विधायक श्री आशीष बुटेल जी हैं और उपायुक्त और विशेष अतिथि के तौर पे उपायुक्त। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और शरारती तत्वों पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तरीय होली महोत्सव के आगाज के मद्देनजर पालमपुर पुलिस ने भी कमर कस ली है। और इस बारे में जानकारी देते हुए DSP विकास धीमान ने कहा कि राज्य स्तरीय होली महोत्सव के लिए 150 जवान तैनात रहेंगे। बताते चलें कि 27 फरवरी को राज्य स्तरीय होली महोत्सव पालमपुर के आगाज के लिए पालमपुर पुलिस बल ने भी रूपरेखा बनाई है। 27 फरवरी को निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा झांकियों लेकर मेले को धूमधाम से मनाए जाने के लिए ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए पुलिस ने 1 वे की रूपरेखा को तैयार किया है, जिसको लेकर धर्मशाला बाया नगरी पालमपुर पहुंचने वाले वाहन
SSV चौक से न्यूगल्स कैफे बुटेल चौक होकर पालमपुर पहुंचेंगे। इस दौरान पुलिस ने राज्य स्तरीय होली महोत्सव के दौरान SSV चौक की पालमपुर से आने वाले वाहनों को पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। वहीं पालमपुर से बाया नगरी धर्मशाला जाने वाले वाहनों के लिए बाया मंगलानी चौक होकर आशीर्वाद चौक से SSV चौक न्यूगल कैफे होकर वाहन नगरी धर्मशाला निकलेंगे। इस बार पुलिस बल ने झांकियों के दौरान जाम की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेले के दौरान निकाले जाने वाली झांकियों के इर्द गिर्द दो पुलिस बल तैनात रहेंगे ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। पुलिस ने मेले के दौरान आने वाले लोगों से मांग की है कि वे पुलिस का सहयोग करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।